हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, जो कि हम आरसीसी में यूज करते हैं। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम एक और होती है जो कि हम सूम में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं, लेकिन वो अलग होती है और ये अलग होती है। इनके जो वैल्यू रहती है रिकमेंडेड, इसमें जो हम वैल्यू लेते हैं वो रिकमेंडेड वैल्यू लेते हैं, और सूम में जो वैल्यू वैल्यू लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में वो लेते हैं हम थ्योरेटिकल वैल्यू लेते हैं। ओके, तो जब हम उसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कॉलम के, तो हम उन वैल्यू को रिकमेंड करते हैं, और आरसीसी में जब हम कॉलम सॉल्व करते हैं तो हम इन वैल्यू को लेते हैं। ओके, तो आज हम जानेंगे कि इनकी वैल्यू क्या होती है, किस कॉलम के लिए, किस फिगर के लिए, मतलब क्या स्पेसिफिकेशन है उस कॉलम की, उस कॉलम के लिए कौन सी रिकमेंडेड वैल्यू रहती है इफेक्टिव लेंथ की। ओके, सो लेट्स बिगिन। हम जानते हैं कि इसमें देख रहे होंगे आप, इसमें डिग्री ऑफ एंड रिस्ट्रेंड ऑफ कंप्रेशन मेंबर, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉलम जो है कंप्रेशन के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। उसमें कोई टेंशन वेंशन के लिए डिजाइन नहीं किया जाता है उसमें, क्योंकि कंप्रेशन लोड ही आता है कॉलम में। ओके, सो उसको कंप्रेशन के लिए डिजाइन किया जाता है। तो हम जो वैल्यू लेंगे इफेक्टिव लेंथ की, उसको देख लेते हैं। सो पहला कॉलम का टाइप देख लेते हैं, जैसे इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन इन बोथ एंड। इसका मतलब ये है कि दोनों एंड में ये तो फिक्स है और दोनों में हिल भी नहीं सकता, मतलब इसमें कोई रिस्ट्रेंट भी रोटेशन भी नहीं आ सकता, जैसे कि बेंडिंग मूवमेंट है वो नहीं आ सकता, मतलब बेंडिंग मूवमेंट आएगा सॉरी, बस रोटेशन नहीं हो सकता, हिल नहीं सकता उस जगह से। ओके, मतलब यहाँ भी ये क्या है फिक्स्ड, यहाँ भी फिक्स्ड, ओके, और हिंज नहीं हुआ है, फिक्स्ड बीम है एकदम। ओके, सो इसमें जो वैल्यू रहती है रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ 0.65 होती है। ओके, सो सेकेंड सेकेंड क्या है फ्रेंड्स, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड, मतलब हेल्ड इन पोजीशन मतलब फिक्स्ड है दोनों तरफ से, ये फिक्स्ड, बट रिस्ट्रेंड अगेन रोटेशन एट वन एंड, मतलब ये आप देख रहे होंगे यहाँ ये हिंज्ड है, तो अगर यहाँ हिंज्ड है तो अगर कोई हवा चली या कुछ भी फोर्स आया उस एयर फोर्स, तो ये यहाँ से रोटेट कर लेगी इस तरफ ये ऊपर वाला, लेकिन यहाँ ये फिक्स्ड है, यहाँ से ये रोटेट नहीं करेगी। तो इसमें यही बताया गया है कि दोनों तरफ तो फिक्स है लेकिन एक तरफ रोटेशन से फिक्स नहीं है, रोटेशन में वो एंड फिक्स नहीं है, ओके, रिस्ट्रेन नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे हम, 0.8 इफेक्टिव लेंथ लेते हैं इस केस में, कॉलम के इस केस में 0.8 लेते हैं। ओके, थ्री पे चलते हैं, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, मतलब इस कॉलम में दोनों तरफ तो कॉलम फिक्स्ड है, इफेक्ट पोजीशन जो है फिक्स्ड है, हेल्ड है, बट दोनों तरफ रोटेशन से रिस्ट्रेंड नहीं है, मतलब अगर इसमें कोई फोर्स लगेगी तो ये उस तरफ मूव कर जाएगा, जैसे इस तरफ से फोर्स लगी इसमें तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ओके, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस तरफ भी कोई मान लो फोर्स लगी ऐसे पी मान लेते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा। ओके, तो ये होता है मतलब इसका कि रिस्ट्रेंड है रोटेशन से कि नहीं, ये होता है इसका मतलब। ओके फ्रेंड्स, ओ लास्ट वन, ये इसमें मैंने चार ही वैल्यू आपको दी है क्योंकि ये चार ही इंपॉर्टेंट होती हैं, इनमें और दो दो और रहती हैं लेकिन उनका यूज नहीं होता है कॉलम में, यही रहती हैं, यही मैन है चार। ओके, सो इसीलिए मैंने ये चार ही आपको बता रहा हूँ, क्यों आपको फालतू में परेशान नहीं होना है। ओके, कि और होती हैं और नहीं, क्योंकि आपको यही काम देंगी। ओके, सो लास्ट है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेन रोटेशन एट वन एंड, मतलब यहां से तो फिक्स्ड भी है और रिस्ट्रेंड भी है, ओके, वन एंड में एक एंड में, बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन नॉर रिस्ट्रेंड अगेन रोटेशन एट
द अदर एंड, मतलब यहां तो ना फिक्स्ड है कॉलम और ना ही रिस्ट्रेंड है, मतलब कि अगर यहाँ फोर्स आया तो ये दिखाया जाए कि ये जो बीम है ऐसे बेंड हो जाएगी, यहां से रोटेट कर जाएगी। ओके, तो इस केस में जो वैल्यू रहती है, इस केस में जो वैल्यू रहती है रिकमेंडेड इफेक्टिव लेंथ की, वो 2 लेते हैं। ओके, सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ओके ओके, तो मिलते हैं हम अपनी अगले वीडियो पे। बाय।